हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट किया है कि इसकी क्या ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसे फ्रीविल प्लेट कहते हैं। ये जो फ्रीविल प्लेट्स हैं, ये कई क्वालिटीज़ में आती है। ये फ्रीविल प्लेट साइकिलिंग एसेसरीज होलसेल शॉप में आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब आप अपने साइकिल में 6 फीट गियर लगाते हैं तो फ्रीविल प्लेट लगाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, करीब 3-4 साल पहले की बात है, मैंने अपने सिंपल एटलस साइकिल में पहली बार 6 फीट गियर लगाया था। अपने सिंपल एटलस साइकिल में 6 फीट गियर लगाने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। गियर लगाने के बाद मैं काफ़ी ऊंचाइयों पर भी बड़ी ही आसानी से साइकिलिंग कर पा रहा था। मेरे साइकिलिंग की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। अब मैं पहले से ज़्यादा दूरियाँ कम समय में तय करने लगा। मुझे साइकिलिंग करने में पहले से ज़्यादा आनंद आने लगा। एक दिन मैंने सोचा क्यों न और ज़्यादा दूरियाँ तय की जाए, तो मैंने प्लान किया खंडाला जाने के लिए। खंडाला मेरे यहाँ से 65 किलोमीटर है और फिर आना भी था, यानी टोटल 130 किलोमीटर। उस वक्त मैंने अपने साइकिल के फ्रंट में 3 स्पीड चेनरिंग लगाया हुआ था, इसलिए मैं ऊंचाइयों को बड़े ही आसानी से चढ़ लेता था और स्लोप में मेरी स्पीड डबल से भी ज़्यादा हो जाती थी और प्लेन रोड पर साइकिल पानी की तरह चलती थी। एक दिन पहले मैंने साइकिल का नट बोल्ट एयर ऑयलिंग सब चेक कर लिया और दूसरे दिन मैं सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया और 7 बजे साइकिल लेकर निकल गया खंडाला जाने के लिए। अब रास्ते में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं खंडाला जा रहा हूँ। टायर और ट्यूब मैंने रालको सुपर शक्ति का लगाया हुआ था, इसलिए मुझे पंक्चर की कोई फिक्र नहीं थी। करीब 10 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद अचानक से पिछले चक्के में आवाज़ आई और पिछले चक्के का मूवमेंट बंद हो गया। मैं झट से साइकिल से उतर गया। मैंने देखा कि 6 फीट गियर में चैन बुरी तरह से फंसा हुआ था, 90 घंटे से ऊपर हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन चैन फ्रीविल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास कोई दुकान या घर भी नहीं था जो मैं किसी की हेल्प लेता। थोड़ी दूर पर एक ढाबा दिख रहा था। ढाबे से एक अंकल आए और उन्होंने मुझसे कहा, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ आप परेशान दिख रहे हैं। जब मैंने परेशानी बताई तो वो समझ गए। परेशानी समझने के बाद वो चले गए। 1.5 घंटे हो गए थे फिर भी चैन निकलने का नाम नहीं ले रहा था। परेशानी ये भी थी कि पिछला चक्का भी नहीं घूम रहा था। मैं साइकिल को डगरा कर भी नहीं ले जा सकता था। अब साइकिल को कंधे पर तो लेकर जा नहीं सकता था, छोड़कर भी नहीं जा सकता था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। फिर मैं इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा, शायद कोई लोहे का रॉड या पिन मिल जाए जिसकी मदद से मैं कुछ कर पाऊँ। अंत में थोड़ी ही दूर पर मुझे एक पतला सा रॉड दिखा। फिर क्या था, मैंने रॉड लिया और गुस्से में तो था ही, पूरी जोर लगा दी मैंने, तब जाके चैन बाहर निकला। मैंने कान पकड़ लिया, अब लॉन्ग राइड पर नहीं जाऊंगा। फिर मैं उसी जगह से रिटर्न घर आ गया। दोस्तों, शिमानो का क्वालिटी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकी कंपनी के 6 फीट गियर के प्राइस से शिमानो के 6 फीट गियर का प्राइस काफ़ी हाई है, इसलिए मैंने भी शिमानो का 6 फीट गियर लगाया हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये वही शिमानो का 6 फीट गियर है जिसमें चैन फंस गया था और चैन निकालने में 2 घंटा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ प्लेन है और अंदर इधर गड्ढा है, देखिए खाली है, सब गड्ढा है इधर। ये देखिए, ये शिमानो का 6 फीट गियर है, ये देखिए शिमानो, कहाँ बनाया गया है, चाइना में। ओके, थोड़ा थोड़ा मिट गया है, ज़्यादा दिन का हो गया पुराना। ये देखिए इसका बैक साइड, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर प्लेन है फिर अंदर साइड में खाली जगह है। अब इसी खाली जगह में चैन ऐसा फोल्ड होकर जाम हो गया था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिमानो के फ्रीव्हील में चैन इस प्रकार फंसा था, ये देखिए इस गड्ढे में, खींचने पे निकल ही नहीं रहा था बाहर, ये देखिए। उसके बाद मैंने और कई फ्रीव्हील चेक किए, ये शिमानो है और ये दूसरे फ्रीव्हील है, तो देखा दूसरे फ्रीव्हील ऐसे थे, जो बड़ा स्प्रॉकेट है इस साइड में प्लेन था सभी फ्रीव्हील का, इधर चैन फंसने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अगर चैन बड़े स्पॉकेट से इधर नीचे गिरे तो स्पोक भले टूट सकता है लेकिन चैन फंसेगा नहीं इसमें कहीं। वही दूसरे फ्रीव्हील प्लेन है, यहाँ चैन के फंसने का कोई चांस ही नहीं है, ये देखिए। फिर मैंने सोचा न चैन फंसने का रिस्क चाहिए न स्पोक टूटने का रिस्क चाहिए, इसलिए मैंने फ्रीव्हील प्लेट का पता किया और ये आपके सामने है। फ्रीव्हील प्लेट और गियर चेंज करने के बाद मैं खंडाला गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, आराम से गया और आ भी गया।
दोस्तों यही रीजन है मैं अपने साइकिल में 6 फीट फ्री व्हील के पीछे फ्री व्हील प्लेट लगाता हूँ, और आपको भी अपने साइकिल में फ्री व्हील प्लेट लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप शिमानो का ऐसा वाला 6 फीट फ्री व्हील अपने साइकिल में भूल कर भी मत लगाइए। फ्री व्हील प्लेट लगाने से स्पोक्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। भले ही फ्री व्हील का बड़ा स्प्रॉकेट प्लेन हो तो क्या हुआ, स्पोक तो नहीं टूटेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।